नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वशीकरण के हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप एक कदम के पेड़ के पत्ते से कर सकते हैं प्रचंड वशीकरण। जी हाँ, ये एक प्रचंड वशीकरण की विधि है जिसके द्वारा आप किसी को भी, चाहे वो आपका रूठा हुआ प्रेमी हो या फिर रूठी हुई प्रेमिका हो या फिर आपका खोया हुआ प्यार हो, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस ला सकते हैं, उसे फिर से आप अपना बना सकते हैं। और इस काम को करने के लिए आपको मात्र चाहिए होगा थोड़ा सा लाल सिंदूर और एक कदम के पेड़ का पत्ता। इस तरह का पत्ता आप ला सकते हैं, आपको ये आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा। ज़्यादातर ये ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही होती है, वैसे तो ये कहीं भी मिल जाएगा आपको, लेकिन आप इसे अगर पेड़ पर से तोड़ते हैं तो भी ये चल जाएगा, और अगर नीचे गिरा हुआ पत्ता आपको मिल रहा है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा प्रचंड वशीकरण में काम आता है। हम इस पत्ते का इस्तेमाल करके आज आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे किसी को भी अपने वश में कर पाएंगे। सबसे पहले एक पत्ता ले लें, उसे धोकर अच्छे से पोंछ लें, सुखा लें, और उसके बाद आपको चाहिए होगा एक मार्कर पेन जो कि इस पर आप जिससे कि लिख सकते हैं। तो इस पत्ते को अपने सामने रखें और उसके बाद आपको इस पर लिखना शुरू करना है। सबसे ऊपर आपको बनाना है ओम, इस तरह से यहाँ पर आपको ओम लिखना है। पत्ते को अपने सामने इस तरह से रख लेना है। ओम के नीचे आपको लिख देना है उस व्यक्ति का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर राधिका लिख रही हूँ। और उसके बाद आपको लगा देना है एक प्लस का साइन। प्लस के साइन के नीचे आपको लिख देना है अपना नाम। अपने नाम को आपको जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं आपको उसका नाम ऊपर लिखना है और अपना नाम आपको नीचे लिखना है। तो अगर आप लड़की हैं तो आप लड़के का नाम ऊपर लिखेंगी और अपना नाम नीचे लिखेंगी। नीचे लड़के का नाम मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ अभी, अमित, इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इसके बाद आपको यहाँ पर मंत्र लिखना होगा, लेकिन मंत्र लिखने से पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा यंत्र बनाना होगा इसी पत्ते के ऊपर। इस तरह का आपको यंत्र बना लेना है जो कि सिर्फ जिसमें तीन नंबर आपको लिखने होंगे। तो यहाँ पर लिखना है 3, यहाँ पर लिखना है 2 और यहाँ पर लिखना है 4 और नीचे आपको लिख देना है 9, 7 और 8। इस तरह से दोस्तों आपको करना है। ध्यान से देखिए, पत्ते में आपको इस तरह से अपना नाम लिखकर यहाँ पर वो यंत्र बना लेना है और सबसे नीचे यहाँ पर आपको लिख देना है वो मंत्र। मंत्र है ओम कामदेवाय वश्यम स्वाहा। इस मंत्र को आपको इस तरह से यहाँ पर साफ साफ लिख देना है। इस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको मोटे पेन से लिखना है जिससे कि पत्ते के अंदर छेद ना हो और पत्ते में आप इस तरह से आसानी से लिख पाएं। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा काम आपको करना है वो ये करना है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा शहद लेना है और अपनी उंगली से मुश्किल से, ज़्यादा शहद नहीं लेना है, सिर्फ एक बूंद शहद आपको लगा देना है। जहाँ पर आपने लड़की का नाम लिखा है वहाँ पर आपको इस तरह से चिपका देना है उंगली से। नाम के नीचे आप लगा सकते हैं, नाम के ऊपर भी लगा सकते हैं, बस नाम मिटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। शहद लगाने के बाद दोस्तों आपको सिंदूर लेना है, और जो लाल सिंदूर मैंने आपको कहा था लेने के लिए, वो भी आपको शहद के ठीक ऊपर इस तरीके से चिपका देना है। जब आप इस तरह से शहद के ऊपर लाल सिंदूर लगा देंगे, पूरी तरह से आपको इसमें भर देना है, और उसके बाद जहाँ पे आपने अपना नाम लिखा था वहाँ पर भी आपको एक छोटा सा सिंदूर एक टीका की तरह आपको इस तरह से इस पर लगा देना है। और जहाँ पे आपने लड़की का नाम लिखा है वहाँ पर भी ओम के ठीक नीचे आपको इस तरह सिंदूर लगा देना है। सिंदूर लगाने के बाद आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने अपने सामने ये माता रानी की फ़ोटो रखी हुई है, काली माँ की, और उसके सामने मैंने एक दिया लगा रखा है। दिया आपको भी इसी तरीके से, जब आप इस उपाय को कर रहे होंगे तो आपको अपने सामने फ़ोटो रखनी है, किसी भी देवी देवता की फ़ोटो रख लीजिए। अगर काली माँ की फ़ोटो आपके पास हो तो बहुत अच्छा है, आप अपने सामने रखकर और एक दिया जलाकर आप बैठ जाइए, और उसके बाद इस पत्ते पर इस तरह से आपको ये सब कुछ लिख देना है।
अंत में आपको क्या करना है, जब ये पूरी विधि आप कर चुके होंगे तो आपको मंत्र का उच्चारण करना है दोस्तों। मंत्र है ओम कामदेवाय वश्यम स्वाहा, जैसा कि मैं आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओम कामदेवाय वश्यम स्वाहा। इस मंत्र का को आपको बोलना है 108 बार, जी हाँ। और पत्ता जैसे कि आप देख सकते हैं काफी बड़ा पत्ता मैंने लिया है, तो 108 बार बोलने के लिए हर बार आपको इस पत्ते को ऊपर से थोड़ा सा मोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको इसे मोड़ते जाना है। इस तरह से मोड़ते जाइए और मंत्र का उच्चारण करते जाइए, मोड़ते जाइए और मंत्र का उच्चारण करते जाइए। जब आप इसे मोड़ चुके होंगे, काफी बार मोड़ चुके होंगे और मोड़ते मोड़ते बहुत पतला सा आपने इसको बना दिया होगा मोड़ते हुए, उसके बाद दोस्तों आपको इसे दूसरी तरफ से भी मोड़ना शुरू करना है। इसको आपको मोड़ कर बिल्कुल छोटा कर देना है और अंत में आपको ये पत्ता जब ये पूरी तरह से मोड़ लें आप इसे, तो आपको इसे ले जाकर बहते हुए जल में, बहते हुए पानी में आपको इसे विसर्जित कर देना है। एक बात का ध्यान रखना है कि पानी साफ होना चाहिए, आपको इसे गंदे पानी में विसर्जित नहीं करना है। साफ पानी का स्रोत आपके घर के आसपास जो भी हो, आपको वहां पर जाकर इस पत्ते को वहां पर विसर्जित कर देना है। और यकीन मानिए कि आपकी प्रेमिका आपको इस विधि के करते ही कॉल उसका आएगा, आपसे मिलने के लिए तड़पने लग जाएगी, वो चाहेगी आपसे मिलने का, समय मांगेगी, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाएगी, आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा अचूक विधि है जो कि बाबा जी ने अपने भक्तों के लिए बनाई है और इस विधि का असर भी तुरंत देखने को मिलता है। तो आप इस विधि को कीजिए। अगर आपको कोई सवाल पूछना है हमसे, कुछ भी अगर आप जानकारी चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर ज़रूर कॉल करें। दोस्तों एक बात के लिए मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगी कि आप इस विधि को, जो विधि हम आपको बता रहे हैं, इसे ध्यान से करना होगा आपको, जैसे जैसा मैंने बताया वैसे। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, कुछ धोखेबाज लोग, कुछ पाखंडी लोग अपने नंबर हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं। आपको उन लोगों से बात नहीं करनी है, आपको किसी के भी झांसे में नहीं आना है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि किस तरह से सही और गलत का फैसला करना है। तो जो सही लोग हैं, जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों से आपको बात करनी है, सिर्फ उन्हीं लोगों के टच में आ जाना है आपको। गलत लोगों से आपका काम नहीं हो पाएगा और वो बस आपसे पैसे मांगते रहेंगे, इसीलिए सही तरीके से आपको काम करना है और आपका काम ज़रूर होगा भक्तों। तो आप इस उपाय को कीजिए और कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद भक्तों, आपने हमारा ये वीडियो देखा, उसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।